पैराडाइज ग्रुप के सीएमडी मनीष भतीजा और उनकी टीम ने लग्जरियस प्रोजेक्ट के रूप में नवी मुंबई और पनवेल के निकट साइवल सिटी नामक अद्भुत और विलक्षण प्रोजेक्ट की सौगात लोगों के लिए लेकर आए हैं। 32 एकड़ में फैले इस विशाल रेडी प्रोजेक्ट को उसी मिलते ही अब साइवल सिटी के परिवार के साथ मिलकर पैराडाइज ग्रुप ने इस खुशी में जमकर जश्न मनाया और पैराडाइज वर्ल्ड कार्निवल के माध्यम से लोगों के चेहरे पर अलग मुस्कान निर्माण की। पहले दिन की तर्ज पर कार्निवल के दूसरे दिन भी यहां लोगों का अद्भुत रिस्पांस मिला। वहीं राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत भी यहां विशेष रूप से उपस्थित नजर आए, जिन्होंने कार्निवल को भेंट देने के साथ साई वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट की खूबसूरती से मुखातिब भी हुए। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कार्निवल को लाजवाब बताते हुए पैराडाइज ग्रुप और मनीष भतीजा के कार्यों की जमकर सराहना की। मला असं वाटतं की पॅराडाईज ग्रुपने अतिशय एक आदर्शवत असा कार्यक्रम आज पनवेलमध्ये केला आहे, कारण एखादं प्रॉडक्ट विकणं हे मी समजू शकतो, पण प्रॉडक्ट बघायला आलेल्या लोकांना देखील एक मनोरंजन असलं पाहिजे, चांगल्या पद्धतीचा त्यांच्याबरोबर संवाद झाला पाहिजे यासाठी जो कार्यक्रम आखलेला आहे। मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या संपूर्ण रिअल इस्टेटमध्ये आम्ही पहिल्यांदाच असा कार्यक्रम बघतो आहे आणि म्हणून मी मनीषजींना मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो, अजून त्यांची भरभराट हो ही सदिच्छा व्यक्त करतो। इस दो दिन के कार्निवल में करीब 800 लोगों ने अपने सपनों के घर की बुकिंग की, जिन्हें तुरंत चाबियां सुपुर्द कर पोजीशन भी दिया गया। पैराडाइज वर्ल्ड कार्निवल को भेंट देने वाले असंख्य नागरिकों ने इसे अद्भुत बताते हुए पैराडाइज ग्रुप को क्वालिटी और विश्वास से भरपूर बताया। कुछ लोगों को साइवल सिटी में मौजूद एमिनिटीज और यहाँ की खूबसूरती इतनी भा गई कि उन्होंने लगे हाथों फ्लैट की बुकिंग भी करा दी। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है, बिल्डिंग एकदम मस्त है, फिनिशिंग लेआउट बहुत बढ़िया है, स्पेशियस है एकदम, बहुत स्पेशियस है। 3 BHK फ्लैट स्पेशली बहुत अच्छा है। खासियत मतलब एक तो बालकनी कनेक्टेड है तो और स्पेशियस है, आप बालकनी का यूज़ भी कर सकते हैं। बाथरूम्स बहुत बढ़िया है, एकदम मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ बहुत अच्छा है, बाथरूम्स बहुत अच्छे हैं। मास्टर बेडरूम बड़ा है बहुत, तो वो बहुत अच्छा है, मास्टर बेडरूम एंड फ्रंट रूम दोनों स्पेशियस है एकदम। ये बेस्ट ऑप्शन मतलब बेसिकली इसका जो लेआउट है और जितने बिल्डिंग्स है, सोसाइटी एक सिंगल बिल्डिंग नहीं है, सोसाइटी है, बहुत बड़ा सोसाइटी है, और प्लस वो लोग ने जो फिनिशिंग किया हुआ है, सामने से एंट्रेंस है, फिर वो लोग ने वर्ल्ड थीम बनाया हुआ है, वो तो बहुत अट्रैक्टिव है। कनेक्टिविटी है मेन, जो हाईवे है, आप कहीं से भी, आप पुणे है, अलीबाग है और आप उरण वो साइड, मतलब तीनों जगह पर आपकी कनेक्टिविटी है पूरी और बीच में सेंटर में है। हम खारगर से आए एक्चुअली, हम एक्चुअली 3 BHK अपग्रेड करना चाहते थे, तो वी थॉट वी हैव अ लुक, कार्निवल भी है, तो बेसिकली आई लाइक द किचन मोर ओवर, क्योंकि इट इज़ वेरी स्पेशियस। बॉम्बे में वैसे भी बहुत छोटे किचन है, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। एंड द कंस्ट्रक्शन वाइज एंड द साउंड प्रूफ विंडोज आर वेरी गुड एंड द व्यू फ्रॉम द बालकनीज इज़ गुड एंड कनेक्टिविटी एंड द व्यू फ्रॉम बालकनी इज़ वॉट अट्रैक्टिव मी द मोस्ट। आई थिंक कंस्ट्रक्शन वाइज ओनली आई कैन से आई हैड सीन इवन द साई वर्ल्ड पैराडाइज इन खारगर, तो दैट वॉज ऑल्सो गुड, तो ये सेम। आई लाइक द क्वालिटी, बहुत अच्छा लगा, ये दुनिया अलग ही है। और ओके, जहाँ पे हम ओल्ड फ्लैट्स वगैरह जो देखते हैं, बिल्डिंग उनसे तो शौक ना चाहिए, वी लाइक इट। कोलास्टंगा से आए हैं और ये पैराडाइज वर्ल्ड सिटी, ये पूरे वर्ल्ड में जो हमने नहीं देखा होगा, जो आज इधर देखा है, और बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बढ़िया बनाया। विश्वास के साथ आंख बंद करके आप पैराडाइज में आप जा सकते हैं और ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस, एंड यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि लाइक एक ड्रीम होम जो होता है, और जो इंटरनेशनल लेवल की एमिनिटीज़ है यहाँ पे वो दी गई है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वॉट एवर दे हैव कमिटेड दे हैव डिलीवर्ड एज पर माई नॉलेज। पैराडाइज ग्रुप ने आज तक जो कमिट किया है अपने बायर्स को वो डिलीवर किया है, तो दैट इज़ वाई वी चूज पैराडाइज। Definitely, why not? Trust ka dusra naam hi Paradise Group hai. I am having a good pleasure to tell you that I am working as a channel partner and associated with Paradise Group since last 12 years. I thank you Manish ji Bhatija and Amit ji Bhatija and obviously our chairman Madhu ji Bhatija for creating such a good theme project and completion. I really congratulations from me and my family to the Paradise Group. Here you can see the quality of construction and the environment which Manish, this Paradise Group is giving. Okay, you can see amenities and very well developed, you know, like 7-star amenities we are having in this project. बहुत अच्छा है, थोड़ा नया है, different है, और flats भी बहुत अच्छी quality, पसंद आया।
गुड वन, अच्छा है, डिफरेंट है, ऐसा देखने के लिए नहीं मिला और कोई जो भी कंपेरिजन में थे हमारे दो चार फ्लैट उसमें ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बजट में भी है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें अच्छी बात एक ये लगी, इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक फ्लोर पे सिर्फ आरटी फ्लैट है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा लगा, इवन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज इन्होंने दी हुई है, एमिनिटीज़ काफ़ी है, इवन इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक जगह पे लाके यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, तो आई लव दिस प्रोजेक्ट। इनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो एक्सेलेंट है, इसमें इवन पेंटिंग से लेके और चीज़ों के बारे में मैंने देखा अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं लोग, एंड मतलब मुझे लगता नहीं बिल्डर छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि नहीं, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान दिया है इसमें। ट्रस्ट का दूसरा नाम पैराडाइज ग्रुप है और अच्छा काम कर रही है। कार्निवल तो बहुत ही अमेजिंग लगा, कार्निवल में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड के मॉन्यूमेंट्स के मिनिएचर मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बेन टावर एंड एक्सेट्रा, दोस काइंड ऑफ स्टफ्स, एंड अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का मेला ऐसा बोल सकते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज भी किया है एंड वेरी ब्यूटीफुली ये स्ट्रक्चर को डेवलप किया, मेंटेन किया है। एंड अनदर थिंग इज यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है ये मुझे बहुत पसंद आई, एक एनहांस्ड लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी दिखाई दे रही है, बहुत रिसर्च किया गया है इधर के प्रॉपर आर्टिस्ट, इकोनॉमिक कॉल इज जस्ट नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एंड आर्टिस्टिक कंस्ट्रक्शन कैन बी कॉल्ड लुकिंग एट द स्टैचूज एंड स्टफ्स लाइक दैट। इंटरनेशनल लेवल की एमिनिटीज़ दी गई है एंड अंदर की जो फ्लैट की क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छी लगी, एंड द आइसिंग ऑन द केक इज दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल अपकमिंग एयरपोर्ट, तो आई थिंक यहाँ पे इन्वेस्ट करना बनता है। यहाँ कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी अच्छा है और मेरे हिसाब से 1,500 लोगों को ये फ्लैट अलॉट कर दिया है ना, तो ये फंक्शन रखा है, ये फंक्शन भी काफ़ी अच्छा है और वी अप्रिशिएट ऑल द थिंग्स। पैराडाइज ग्रुप के चेयरमैन मधु भतीजा भी साई वर्ल्ड सिटी को मिले अद्भुत प्रतिसाद के साथ प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी दी। यू डू योर जॉब सिंसियरली, रेस्ट यू लीव अप टू द गॉड, गॉड इज ग्रेट। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमने कार्निवाल जो 5 और 6 तारीख का लगा है, मेरे हिसाब से तो रश की कोई कमी नहीं है, पब्लिक की कोई कमी नहीं है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो एक तो हम टाइमली पोजीशन देने की कोशिश करते हैं, दूसरा चीज़ अच्छी बनाते हैं, तीसरा हमारी जो प्रोजेक्ट्स रहती है वो थीम बेस्ड रहती है, जिसमें थीम रहती है, जैसे ये साई वर्ल्ड सिटी है या 7 सिटीज़ के ऊपर हमने उसको हाईलाइट किया गया है। इसी तरह हमारी खारगर में जो प्रोजेक्ट है साई वर्ल्ड एम्पायर, वो एम्पायर और एम्प्रेस के ऊपर है, उसमें हम लोगों ने एम्पायरर्स को हाईलाइट किया है। व्हेन इफ़ यू परचेज योर हाउस इन साई एम्पायर, यू आर नॉट लेस देन द एम्पायर। सिमिलरली हमारी उल्लासनगर की जो प्रोजेक्ट है कल्याण एनेक्स, उस वो प्रोजेक्ट में भी साई वर्ल्ड लीजन के नाम से है, वो साई वर्ल्ड लीजन अपने आप में, अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो आप लीजन से कम नहीं हो। और ड्रीम्स जो हमने डोंबिवली में प्रोजेक्ट लॉन्च की है वो अपने आप में वो भी एक थीम बेस्ड है, वो आपको हमारी वो प्रोजेक्ट में बुकिंग के बाद आपको फील होएगा कि भाई हमारा वहाँ पे जो कमर्शियल है वो 15 लाख फुट है, और कमर्शियल जहाँ रेजिडेंशियल के 8 टावर्स है, कमर्शियल में आप और रेजिडेंशियल में आने के बाद आपको फील आएगा कि आप दुबई माल में है। तो इस तरीके से हमारी जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे जैसे हमारी साई सन सिटी प्रोजेक्ट, वो थीम जो हमने है साउथ अफ्रीका से ली हुई है, तो उस बेसिस पे हमारे कुछ 24 वाले के कुछ 23 टावर्स आ रहे हैं और वो प्रोजेक्ट 27 एकड़ में है। तो इस तरीके से हम यही चाहते हैं कि पब्लिक का टेस्ट जो है, पब्लिक के टेस्ट के हिसाब से हम अच्छे में अच्छी चीज़ डिलीवर करें और अच्छे में अच्छी एमिनिटीज़ देवें, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होए और उसी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। बिल्डिंग तो हर आदमी बनाता है, लेकिन हर आदमी जो हिसाब से जनरल वे में बनाता है, हम थीम देने से क्या रहता है, आदमी को लगता है भाई समथिंग न्यू विल बी क्रिएटेड, इनोवेशंस
एंड एलिवेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ नया करके दिखाओ, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कुछ चमत्कार करके दिखाओ तो ही नमस्कार करेंगे। तो इस तरीके से कारोबार को आगे बढ़ाना है तो लोगों को उनके हिसाब से जो नई चीज है वो देनी है, वो हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट, ईडब्ल्यू नेटवर्क।